ये हनुमान जी की प्रतिमा कितनी बढ़िया भाई। ये हनुमान जी ने सीना फाड़ा और बोले ले देख जय श्री राम। इसे किलकिला नदी बोलते हैं और ये है किलकिला मणिकर्णिका बाबा घाट। वाओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ऐसा करने से जन्मों के पाप धुल जाते हैं और जो बिना सब्सक्राइब किए हमारा वीडियो देखते हैं उनके पापों का हिसाब रखने के लिए खुद चित्रगुप्त ने सेक्रेटरी रखा हुआ है। राम राम भाई सारा ने, स्वागत आपका अपने चैनल वेदी ब्लॉग्स और मैं आपका होस्ट यतीश वेदी। भाई फिलहाल मैं खड़ा हूँ किलकिला मंदिर जो कि जसपुर जिले में स्थित है और मेरे साथ है भाई अभिनव। फिलहाल भाई मैं मंदिर में हूँ, यहाँ भाई महालक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है, भगवान है, वो प्रसिद्ध है यहाँ का मंदिर। और यहाँ पे मतलब हर दिन भाई मतलब सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे भाई महालक्ष्मी नारायण मंदिर, गणेश भगवान का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, बजरंग बली की भाई एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, शंकर भगवान का मंदिर है। और यहाँ भाई मतलब जो भी मनोकामना मांगते हैं ना श्रद्धालु, वो सब पूरी होती है। सब यहाँ पूरी होने के बाद यहाँ पे जो चढ़ता है मेन, वो है नारियल और अगरबत्ती। देखो ये भाई मतलब बाहर से जो द्वार है, यहाँ पे शेर लगे हुए हैं दो और ऊपर हाथी, मतलब शाही एंट्री है बिल्कुल। और ये अभी टीन वीन अभी लगी है, मतलब कुछ एक डेढ़ साल दो साल से। और देखो अंदर घुसते ही मतलब क्या मंदिर है भाई, शेषनाग है। और वहाँ से दिखाता हूँ आपको, हनुमान जी की प्रतिमा दिख रही होगी सामने, हो रही जय बजरंग बली। और इस मंदिर तक भाई आ कैसे सकते हैं, तो भाई ये पत्थल गाँव के 10 किलोमीटर दूर, 10 या 12 किलोमीटर दूर किलकिला गांव में स्थित है मंदिर, इसलिए इसका नाम किलकिला मंदिर है। और पत्थल गांव भाई मतलब ये है रायगढ़ खरसिया से, मतलब आते हैं पत्थल गांव, मतलब यहां से अगर आपको खरसिया से डायरेक्ट मतलब 3-4 घंटे के लिए दूरी पे है ये, और चलते हैं भाई। और यहाँ मतलब भाई शिवरात्रि पे, जो सावन का महीना होता है, शिवरात्रि पे जो मेला लगता है भाई, बहुत तगड़ा मेला लगता है शंकर भगवान का। और यहाँ पे 4 मार्च को ही मेला लगता है जहाँ पे भाई सैकड़ों भक्त आते हैं और पूरा मंदिर सजा देते हैं भाई। और यहाँ पीछे एक डैम भी है, मतलब नदी, किलकिला नदी, तो वहाँ भी चलते हैं। और देखो भाई हनुमान जी की प्रतिमा कितनी बड़ी है भाई ये। और थोड़ी सी आगे आओगे तो भाई ये ऋषि मुनियों की मतलब मूर्तियाँ बनाए रखे हैं। देखो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और ये रहा भाई जो मैं बता रहा था आपको कि मतलब शिवरात्रि में बहुत तगड़ा वो मेला लगता है यहाँ, तो देख सकते हो। और ये भाई हमारे शेषनाग शंकर भगवान जी के रूप और जो मनोकामना पूरी होती है भाई यहाँ नारियल लेके और यहीं चढ़ाए जाते हैं। और मंदिर से भाई जैसे ही आप जस्ट पीछे आओगे तो ये भाई, इसे किलकिला नदी बोलते हैं और ये है किलकिला मणिकर्णिका बाबा घाट। यहाँ पे साइड में नंदी माता और देखो यहाँ नहा रहे हैं कुछ लोग, देख सकते हो भाई कितने मतलब यहाँ मछली मेंढक हैं। और हम नहाएंगे भाई वहाँ जो आपको डैम दिख रहा है ना, हम वहाँ नहाएंगे क्योंकि यहाँ तो भाई पानी नहीं है। और यहाँ पे मतलब पानी कहाँ तक आता अभी ना, घाट पर गंदगी ना करें भाई, वहाँ तक पूरा पानी भर जाता है। तो लिख रखा है कृपया सफाई पर ध्यान दे, लेकिन सफाई देखो कितनी है। भाई मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ पे नारियल लग के और ऐसे तोड़ा जाता है। अरे भाई हनुमान जी ने सीना फाड़ा और बोले ले देख जय श्री राम। और ये भाई महालक्ष्मी नारायण मंदिर जो यहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर है किलकिला मंदिर में। जय हो। है कहाँ रे तू। और बिल्कुल साइड में भाई ये है गोपाल कृष्ण गौशाला, यहाँ पे गौ माताओं की देख रेख होती है। महादेव मंदिर, देखो यहाँ धूप वगैरह चढ़ी हुई है। हर हर महादेव। ये नंदी माता। शिव मंदिर से आने के बाद भाई यहाँ है नीलकंठ की पेंटिंग की वाली, नीलकंठ बाबा की। और फिर यहाँ है हमारे भोलेनाथ नंदी और हमारे भोलेनाथ जो बिल्कुल पहाड़ों में बैठे हुए हैं। नमो सृष्टि रूपम, नमो वृष्टि रूपम, नमो जल स्वरूपम, नमो वृक्ष रूपम, नमो नमः। फिर ये भाई काली मंदिर और ये दुर्गा माँ का मंदिर। और ये भाई नरसिंह भगवान की प्रतिमा। जय हो।
ये भाई जब देखते थे ना तो रू काँप जाते थे। और सामने है हमारे भोलेनाथ के प्यारे पुत्र श्री गणेश भगवान। और यहाँ मंदिर के अंदर है भाई नौ ग्रह के देवता, जैसे शनि बोलते हैं, शनि चढ़ गया, वो सब देवता हैं ये। और यहाँ भाई श्री श्री 108 श्री कपिल दास बाबा जी महाराज जी, बहुत प्यारे भाई, प्रसाद भी मिला है हमको तो बाबा का। तो भाई अब चलते हैं वहाँ डैम नहाने और फिर मिलते हैं आपको। भाई डैम जाने का भाई रास्ता है बारूखेड़ा, क्या नाम दोगा, बालूखेड़ा गांव भाई, यहाँ पे एक दो से तीन किलोमीटर। तो अब आए भाई डैम और देख सकते हो यार, मतलब जहाँ बिल्कुल पानी नहीं दिख रहा था यहाँ पीछे पानी पानी है। ये भाई पानी वहाँ सप्लाई होता है पूरे बत्थल गांव में आर ओ वगैरह करके। वहाँ भाई लोग जो आए हैं वो अपना नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, खाने पीने का साथ लेके आए हैं। आप भी भाई यहाँ पिकनिक के तौर पे जो भी मतलब ला सकते हो। ये हमारे कुक साहब आकाश भैया, हेलो, अभिनव और ये कृष्णा। ये भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं खाने पीने की। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो, इनकी पार्टी पार्टी गाइस पार्टी, इसका बर्थडे है क्योंकि इसकी स्नैप पे इसके साथ 200 स्ट्रिक पूरी हुई है। चलो आया, ये आकाश भैया और कृष्णा भी आ गए। बस ये चल चल नहा वहा के चल दिए भाई अपना घर की तरफ। और भाई यहाँ ना मतलब हमने जैसे बोतल थी माजा वागा था कि वो ले आओ या बोल ले आओ उससे खेलो, या फिर जो पत्थल गांव से आ रहा है ना सुबह सुबह आ रहा है तो ढुसके ले आओ बस स्टैंड से, फेमस है, या संतोष के समोसे ले आओ, यहाँ फेमस है भाई। मतलब जो हरियाणा से मेरी वीडियो देख रहा है भाई वो हरियाणा में तो तेल लगता है ना, लेकिन यहाँ भाई तेल नहीं लगता है, यहाँ पे दो तीन तरह की चटनी देते हैं और भाई मज़ा आ जाता है। जैसे यहाँ के जो किलकिला गाँव के लोग हैं वो भी आ गए हैं, यहाँ स्नान वगैरह करते हैं, बच्चे आ गए हैं, कपड़े वपड़े धोते हैं यहीं, कपड़े वपड़े यहाँ धोते हैं, नहाते यहाँ हैं, मतलब जिस तरह का पानी होता है। तो फिर भाई अगर मज़ा आया हो तो भाई वीडियो को लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना और इंटरेस्टिंग जर्नी के लिए फॉलो कर लो भाई। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, जय शंकर भगवान, जय शंकर भगवान, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना।